तेजस्वी जी पूर्व सांसद साहबुद्दीन के बड़े भाई आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटा को जो है चुनाव नहीं लड़ने के लिए सरकार ने अरेस्ट करवाई है। कौन क्या आरोप लगाता है इस पे हम लोगों का ध्यान नहीं है, हम लोगों का ध्यान है काम पर। और जहाँ तक इस तरह की बात आती है, क्योंकि ये न्यायालय का मामला है तो इस पे कोई हम लोगों का टिप्पा टिप्पणी देने से कोई बचना चाहिए। आप अपने जिला में हैं, ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय जो है वो देखे। आप अपने जिला में आए हैं तो क्या उनसे सहानुभूति के रूप में मिलने जाएंगे? आप अपने जिला में आए हैं नजदीक में, दूसरा सरकारी कार्यक्रम है? नहीं नहीं, क्या आप सरकारी कार्यक्रम से यहाँ आए? हमारा जो काम है उस काम को हम करना है। सर, बीएड के छात्रों को क्या कहिए? बीएड के छात्रों के साथ हम जरूर आएंगे। और तीसरा जो हमने कहा था ट्रॉमा सेंटर का, तो आज ट्रॉमा सेंटर का भी जो है शिलान्यास जो है हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये जितने कमिटमेंट हम लोगों ने किए थे उस सारे कमिटमेंट को जो है हम लोगों ने। तेजस्वी यादव जी सामने देख सकते हैं, लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, गोपालगंज में थावे मंदिर के माता परिसर के मंदिर में पहुंचे हुए हैं तेजस्वी यादव, बिहार के डिप्टी सीएम हैं। और कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि समर्थकों में काफ़ी भीड़ है, और देख सकते हैं कि दूर दूर से समर्थक यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी कब अपने पद से निकलेंगे। लगातार आप लोग फोकस करते रहिएगा, लगातार देख सकते हैं कि एसपी साहब भी हैं गोपालगंज के, एसपी साहब पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पे जो भी है चाक चौबंद में लगे हुए हैं। और अभी यादव जी, और आप लोग लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि थोड़ी देर में तेजस्वी यादव जी गोपालगंज से निकलने वाले हैं, नेताओं का निकलना शुरू हो गया, डीएम साहब भी आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर डीएम साहब मौजूद हैं। सर सर ऐसे नहीं हो पाए। तेजस्वी यादव जी देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से, चले शुरू करें जी सर। देखिए नवरात्रि के अवसर पर हम यहाँ आने का मौका मिला है, और आपको पता होगा कि ठीक एक साल पहले जब गोपालगंज विधानसभा का चुनाव हो रहा था उससे पहले हम यहाँ आए थे उप मुख्यमंत्री बनकर के, तो हमने सबसे पहले जो है ऊपर हटाओ थावे माँ का दर्शन लिया था, मत्था टेका था। और आज फिर नवरात्र का पांचवा दिन चल रहा है और माँ का दर्शन प्राप्त हुआ है। और जो हमने पिछले साल जो वादा किया था वो हम लोगों ने पूरा किया है। आपको पता है कि हम लोगों ने घोषणा की थी पिछले साल कि लगभग 60 करोड़ जो है पर्यटन विभाग से हम लोग देंगे, और पूरे थावे परिसर मंदिर का परिसर पार्क हो तालाब हो या जितने वेंडर्स हैं दुकान हो पार्किंग की व्यवस्था उसको हम लोग निर्माण हम लोग कराने का काम करें। तो लगभग 30 करोड़ का जो है पर्यटन विभाग कर रहा है, और रोड वोड जितना है 30 करोड़ का आरसीडी के द्वारा किया जा रहा है, तो लगभग 60 करोड़। और इस काम की शुरुआत भी हो चुकी है और आज इसका शुभारंभ भी हुआ है, और हमने वादा भी किया था कि मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ हथवा में हम लोग देने का काम करेंगे। आपको पता है कि लगभग एक महीना हो रहा होगा कैबिनेट से हम लोगों ने गोपालगंज का मेडिकल कॉलेज भी पास कर दिया, अब वो निविदा भी उसकी जो है खुल गई है, यानी जल्द ही जो है निर्माण कार्य जो है वो भी अब शुरू होगा, उस मौके पे भी हम ज़रूर आएंगे। और तीसरा जो हमने कहा था ट्रॉमा सेंटर का, तो आज ट्रॉमा सेंटर का भी जो है शिलान्यास जो है हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये जितने कमिटमेंट हम लोगों ने किए थे उस सारे कमिटमेंट को जो है हम लोगों ने पूर्ण किया, तो हम लोग सब
काम करने वाले लोग हैं, काम में विश्वास है और गोपालगंज के हम रहने वाले हैं इस ज़िले के, तो मेरा दायित्व भी बनता था कि लोगों का जो प्यार सम्मान मिलता रहा है, माता का लगातार कृपा रहा है, तो हम इस ज़िले के लिए भी जो है कुछ करें। हालांकि बहुत कुछ हमारे माता पिता ने इस ज़िले के लिए किया है और हमारा भी फ़र्ज बनता है कि इस ज़िले के लिए हम लोग करें, तो हम लोग जो इस कमिटमेंट के साथ आए हैं और ठीक नवरात्र के अवसर पर आए हैं और माता को हम लोगों ने बोला जो हमने वादा किया था इसी प्रांगण में यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आज हम लोग यही जो है शिलान्यास कार्य का शुभारंभ जो है यही से किया। अच्छा तेजस्वी जी, एक एक पत्नी भी आने वाली थी, पत्नी राजश्री भी आना था, उनको भी आना था, नहीं आई है? हाँ नहीं, वो आएंगी, जल्दी आएंगी, सब लोगों के साथ आएंगी। अच्छा, में लोग इंतजार कर रहे हैं, सब 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 कार्यक्रम होगा। अरे घर है ना, हम लोग थोड़ी ना लोग आते जाते रहेंगे, उसमें पूर्व दिक्कत नहीं है, वो आई नहीं है। हालांकि नवरात्र चल रहा है तो वहां भी जो है मेरी माँ जान रहे हैं कि कलश बैठाई है, तो वहां सब लोग वहां उस पूजा के कार्यक्रम में लोग व्यस्त है और हमारी बेटी भी हो गई है, तो थोड़ी और बड़ी हो जाए तो हम लोग सब लोग। अच्छा तेजस्वी जी, पूर्व सांसद साहबुद्दीन के बड़े भाई आरोप लगा रहे हैं कि उनके बेटा को जो है चुनाव नहीं लड़ने के लिए सरकार ने अरेस्ट करवाई है। कौन क्या आरोप लगाता है इस पे हम लोगों का ध्यान नहीं है, हम लोगों का ध्यान है काम पर। और जहाँ तक इस तरह की बात आती है, क्योंकि ये न्यायालय का मामला है, तो इस पे कोई हम लोगों का टिप्पा टिप्पणी देने से कोई बचना चाहिए। आप अपने जिला में हैं, ये न्यायालय का मामला है, न्यायालय जो है वो देखे। आप अपने जिला में आए हैं तो क्या उनसे सहानुभूति के रूप में मिलने जाएंगे? आप अपने जिला में आए हैं, हमारा दूसरा सरकारी कार्यक्रम है। नहीं नहीं, क्या हम सरकारी कार्यक्रम से यहाँ आए हैं? हमारा जो काम है उस काम को हम करना है। बीएड के छात्रों को क्या, बीएड के छात्रों को साथ हो गया।